प्रदेश सहित होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन और विक्रेता ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सेल्समैन और विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस अवसर पर उपस्थित सेल्समैन में संजय जैन, सोहन सराठे, लेख राम अहिरवार, कमलेश पटवा, ओम प्रकाश मेहरा, बंटी राय, बबलू राय, पंडित सखाराम भार्गव, हरकिशन विश्वकर्मा, राकेश यादव, हेमंत पटेल आदि मौजूद थे। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। आयुक्त तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल प्रारंभ की जाइए। हम सबसे साथ की उचित मूल्य दुकानदारों की निम्न मांग है। पहली है, वर्तमान में माह जनवरी में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पात्र उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बंद हुए उनको मिलता था, पर माह जनवरी से बंद हुए हैं, उन्हें तत्काल चालू किया जाए जिससे आने वाले उपभोक्ता को राशन मिल सके। दूसरा, संस्थाओं का देय कमीशन 70 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 200 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए, क्योंकि संस्थाओं को लगने वाले खर्चों में दुकान का किराया, गोडाउन किराया, बिजली, जनवरी के तक जिन लोगों को हम माह दिसंबर तक जिन लोगों को हम नगरी और ग्रामीण क्षेत्रों हमने राशन दिया था, पात्र राशन कार्डों के राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं, उनको प्रमुखता से उनका आने नाम जोड़ा जाए, तत्काल उन्हें हम राशन प्रदान कर सकें। वास्तव में बहुत गरीब लोग हैं जिनको आने जो राशन से वंचित है। राशन से मांग करते ऐसे लोगों का नाम जो माह दिसंबर तक जिन्हें राशन प्राप्त किया है, जनवरी से कट गया, उनका नाम प्राथमिकता से जोड़ा जाए जिससे हम उन्हें राशन प्रदान कर सकें। कितने दिन की है हड़ताल? यह हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी जब तक हमारी मांगें आने पूरी नहीं होती, और हमारा विगत आने जो मांग करते जा रहे 70 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन के हिसाब से 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, और पूर्व में सरकार ने जो हमसे PMKJY का वितरण निःशुल्क वितरण करवाया था 8 महीने का, उसका कमीशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, कमीशन भी हम लोगों को तत्काल दिया जाए। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।